ओके, तो ये फाइनली 5 दिनों की वेट के बाद बोट की तरफ से आ गया है, और बोट की तरफ से ऐसा मतलब ये नहीं कि रिव्यू यूनिट है, खरीदा है मैंने और बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा है। क्या खरीदा है वो तो आपको वैसे भी टाइटल में पता चल गया होगा, लेकिन खैर ये एक नेक बैंड है। अब अमेजोन पे 999 का ही मिल रहा था, अंडर 1000 सबसे चर्चित, और बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये 899 का पड़ा, ठीक है। और एक आइडिया भी हो गया कि डिलीवरी का क्या सिस्टम है। तो बेसिकली अगर आपके पास अमेजोन प्राइम है या आप किसी बड़े सिटीज वगैरह में रहते हो जहां पे जल्दी डिलीवरी है और आपको अर्जेंट नीड है, तो आप 999 पे ऑफ करके ले लो, या अगर आपके पास अमेजोन पे कार्ड है तो 5% करके कुछ मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर आपके पास ना प्राइम है ना आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो और आपको कोई इतनी अर्जेंट नीड नहीं है, तो आप आराम से इसको बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 100 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट कैसे मिलता है पिछले किसी वीडियो में, और करंट प्राइसिंग 1199 है, तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट फिर भी आप पकड़ के चल लो तो 1099 ही पड़ेगा आपको बोट की वेबसाइट पे, ठीक है। बॉक्स है, अब बॉक्स देख लो यहाँ पे एक जगह से दबा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अनबॉक्सिंग रखते हैं क्योंकि साउंड टेस्ट वगैरह करके क्या ही, अभी तो जस्ट आया ही है। और उसके बाद इसको डीजो वायरलेस के भी पैकिंग कैसी थी वो सब कैसी है उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि डीजो वायरलेस पावर मैं यूज कर रहा था और ये फ्रंट का है बेसिकली अगर आप सोच रहे हो तो। ठीक है भाई जल्दी खुल जा सिमसिम, ठीक है। तो ये बॉक्स खुल गया, बहुत क्लीन अनबॉक्सिंग नहीं थी, लेकिन ये लोग ऐसे रैपर वगैरह चढ़ा देते हैं तो खैर। बॉक्स पे मेंशन देख लेते हैं, ENX टेक्नोलॉजी, इनकी ENC टेक्नोलॉजी को ये ENX बोलते हैं, यानी इंक्रीमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वो आपको हेल्प करेगी कॉलिंग वगैरह लेने में। मैग्नेटिक स्मार्ट बड्स यानी ऑन ऑफ का फंक्शनैलिटी आपको बस मैग्नेट से क्लिक और क्लिक ऑन क्लिक ऑफ करने पे मिल जाएगा, कुछ ऑन ऑफ करने की बटन से झंझट नहीं। बीस मोड बेसिकली इनका लेटेंसी कम करने का सिस्टम है, और इसमें मेंशन नहीं है कितने तक कम करेगी, लेकिन अगर आप बोट 330 प्रो वगैरह के जो एड्स आते हैं उसमें अगर आप 20 मोड का देखोगे तो 65 मिलीसेकंड तक मेंशन है, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि यूजुअली 80 मिलीसेकंड तक रहता है कॉम्पिटिटिव नेक बैंड में। रॉकस 255 नियो बोट स्पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ नेक बैंड का डिजाइन बना हुआ है ईयर फिन्स के साथ, इस तरफ कुछ नहीं है, ये बटन कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं, मल्टी फंक्शन बटन और प्लस माइनस वॉल्यूम का। यहाँ बोट की ब्रांडिंग, यहाँ आ जाते हैं पीछे, बोट वर्जन 5.2, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा आपको डुअल पेयरिंग के साथ, एएसएपी चार्जिंग मिल जाएगी। एएसएपी चार्जिंग की बहुत मस्त है, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो बहुत मस्त, 10 मिनट्स में आप 10 आवर्स की बैटरी लाइफ ले सकते हो सिर्फ 10 मिनट चार्ज में। टोटल प्ले टाइम 25 घंटे का मिल जाएगा आपको, मतलब एक दिन पूरा निकल गया कंटिन्यूअस यूजेज में, सोच रहे हो। 12 मिलीमीटर के ड्राइवर्स मिल जाएंगे, और लिखा है बोट का सिग्नेचर साउंड। तो बेसिकली बोट का सिग्नेचर साउंड क्या है, अगर आपने पहले भी उसे कोई हेडफोन्स वगैरह कुछ यूज किए तो आपको मालूम है कि उसकी बेस हैवी होती है, वही है बोट का सिग्नेचर साउंड, और कुछ खास बात नहीं। IPX6 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो भी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, IPX4 मिलता है सिमिलर प्राइस कैटेगरी के नेकबैंड्स में। लाइट वेट विद सिक्योर फिट मिल जाएगा, और इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट वगैरह की फैसिलिटी है। खैर जो भी हो, अब ओपन करके देखते हैं, और ये भी प्लास्टिक ही फील हो रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब ये तो डीजो वायरलेस पावर से भी थोड़ी और सस्ती पैकेजिंग लग रही है, ठीक है। इसके नीचे से ये गिर गया, इसको देखेंगे तो नेक बैंड निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये निकल गया नेक बैंड, इसको यहाँ पे रखते हैं, पाउच में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पाउच में बेसिकली आपको मिल जाएगा रीड मी बिफोर यूज, अगर आपको नेक बैंड का कुछ पढ़ना है तो आप वो पढ़ लेना। ये वारंटी कार्ड है, ये लोग कार्ड देते ही रहते हैं, मुझे पता है कि अंदर क्या क्या होगा, एक बुकलेट भी दे देंगे लोग। ये टाइप सी की केबल है, टाइप ए टू टाइप सी, आप इसको अपने चार्जर में लगा के यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं तो ये करता हूँ कि आप अपने फोन के चार्जर से भी डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं 2 सेट, इसकी बात कर रहा था। ये है बेसिकली 255 नियो का बुकलेट, और यहाँ आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, एक्स्ट्रा डिटेल्स जो भी होगी, और आपको इसमें डुअल पेयरिंग वगैरह के ऑप्शंस और बटन कंट्रोल्स भी यहीं कहीं मेंशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ मेंशन है नहीं, ये ओवरव्यू मेंशन है, ईयर कैप वगैरह, बटन कंट्रोल्स भी कहीं मेंशन होंगे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, तो जिसको देखना है वो यहाँ पे देख लेना, और कुछ नहीं। इसके अलावा ये इनका प्रोडक्ट कैटलॉग, इतना लंबा, ठीक है, बोरिंग हो गया है। अब सारे ही प्रोडक्ट के साथ देते हैं, क्यों देते हैं मालूम नहीं। नेक बैंड पे आ जाते हैं, ये नेक बैंड आपको मिल जाएगा, और ये वॉल्यूम
प्लस माइनस और मल्टीफंक्शन बटन में जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर है जैसा कि आपको दिखाई था, और ये रहा चार्जिंग पोर्ट जो टाइप सी है और सील्ड भी है, तो बेसिकली बेटर है डीजो वायरलेस पावर से क्योंकि वो सील्ड नहीं है। डीजो वायरलेस पावर भी मैं दिखा दूंगा, यही रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा मटेरियल लग रहा है, मतलब ये डीजो वायरलेस से ज़्यादा थिक है ऑफकोर्स, और ज़्यादा मुड़ रहा है मतलब, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा कि टूटने वूटने टाइप या कुछ वैसा नहीं। बोट की ब्रांडिंग, ईयर टिप्स के रास्ते तक जाते हुए ये फ्लैट केबल्स आपको मिल जाएगी। फ्लैट केबल्स भी बेसिकली ज़्यादा ड्यूरेबल होती है जो नॉर्मल केबल्स है। और ये ईयर टिप्स के बारे में पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि ये ईयर फिन्स वाला डिजाइन मुझे वैसे पसंद नहीं है। स्पोर्ट्स में आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर आप रनिंग वगैरह भी करते हो तो भी आपको ये अटके हुए रहेंगे कानों में, मतलब जल्दी से फॉल ऑफ नहीं होंगे, ठीक है। और ये एंगल्ड डिजाइन है, प्लास्टिक का ही है लेकिन एंगल्ड है, तो थोड़ा और कंफर्ट रहेगा। अगर डीजो वायरलेस पावर को तुरंत पे यहाँ पे ले आए तो अगर आप देखो तो इसमें बटन्स अलग अलग हैं, उसमें वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ हैं और पावर बटन एक साथ है, मतलब स्मार्टफोन जैसा कुछ डिजाइनिंग की गई है। ये थोड़ा सा कम गारंटी टाइप लगता है, थोड़ा सा टाइट है, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और काफी ज्यादा, मतलब अगर आप ऐसे करो तो ठीक है वो, मतलब आप तो कोई एक ही लोगे तो आपको उतना कंपैरिजन करने के फील करने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिकली वो बात है। उसके बाद जो मैंने एक चीज बताई कि इसमें जो टाइप सी पोर्ट है वो सील नहीं। अब आ जाते हैं इसको फोन वगैरह से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि फोन वगैरह से कनेक्ट करने में इसमें क्या क्या ये होता है, ठीक है। तो यहाँ इंडिकेटर पे ध्यान दिया रहे, और सिंपली इसको अलग करना होता है ऑन करने के लिए, तो इसको अलग करेंगे और यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। देखो ये ब्लू लाइट ब्लिंक होने लगी। उसके बाद आपको जाना है अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ में और आपको यहाँ पे रॉकर्स 255 नियो दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप टच कर लो, पेयर का ऑप्शन आ गया, पेयर कर दो, ठीक है। कॉल्स वगैरह के लिए 90% बैटरी के साथ आया है, और ये देखते हैं एसी वगैरह है या नहीं है। तो एसी का ऑप्शन यहाँ नहीं आता है सैमसंग में शायद, लेकिन मेरे दूसरे स्मार्टफोन्स में तो बोट के जो यूज करता हूँ उसमें अगर एसी होता है तो आ जाता है। इसमें मेंशन है कि इसमें हाई ऑडियो कोडेक है, तो हाई ऑडियो कोडेक तो एसबीसी को नहीं बोलेंगे, एसी होगी, ठीक है। मैं आपको जल्दी से दूसरे स्मार्टफोन पे दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको यहां से ऑफ कर दें और इसको जैसे ही आप प्लग करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ ब्लूटूथ ऑफ करते हैं, चलते हैं दूसरे स्मार्टफोन पे जहां पे आता है कि कोडेक कौन सा है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहां पे इसको अलग करते हैं और सर्चिंग हो रहा है, रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। रॉकर्स 255 नहीं हो आ गए, इस पर टैप करते हैं, पेयर हो गया। पेयर होने के बाद ये सबसे ऊपर चले जाते हैं, तो यहां टैप करते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो एचडी ऑडियो एएसी का आपको यहां पे सपोर्ट मिल रहा है, इसको बस यहां से ऑन करना है और ओके कर देना है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, आपको किस तरह से वो शो होता है। इसके बाद इसको एक दिन यूज करेंगे, इसका फर्स्ट इंप्रेशन टाइप कुछ वीडियो लेके आएंगे। और ये तो है डीजो, चलो बाय।